छतरपुर कलेक्टर ने 8 जुलाई को टीएल बैठक में संबंधित एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ को निर्देशित किया कि मुख्य मार्गों पर बैठने वाले आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशाला में भेजा जाए, लेकिन बीते दिनों में नगरीय निकाय द्वारा इस विषय पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी जा रही है। आज भी गौवंश सड़कों पर बैठने को मजबूर है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं और आम नागरिकों, वाहन चालकों और गौवंश की भी हानि हो रही है। अब यह खबर दिखाए जाने के बाद अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आवारा गौवंश को कब तक शिफ्ट किया जाता है। आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए हम अपने स्तर पर टीम गठित करके उनको पास की जो भी पंचायतों की गौशालाएं हैं उनमें भेजने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम अभी 7 दिन बाद एक परिषद की बैठक होने वाली है, तो उसमें भी आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एजेंसी का चयन करके जिनके पास स्वयं की नंदीशाला हो उसका टेंडर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों के माध्यम से उतना कार्य नहीं हो पाता, इसके लिए हमारे पास कोई अलग से टीम भी नहीं रहती है। तो टेंडर के बाद इस कार्य में प्रगति लगभग 1 सप्ताह में हमारी टीम करेगी, उसके बाद फिर जैसे ही उनका टेंडर ओपन हो जाएगा उसके बाद संबंधित एजेंसी जिसको भी, फिलहाल में तो यह नगर पालिका द्वारा ही किया जाएगा, अन्य विभागों का भी कोई ऐसा निर्देश नहीं है जिनके समन्वय से। नाम हम चाहते हैं कि जैसे मेन रोड पर चारों तरफ इतनी गाय बैठती हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन सड़क दुर्घटना होती है गाय की वजह से, गायें भी मरती हैं और मनुष्य भी मरता है, मतलब दोनों लोगों की हानि होती है, जानवर भी मरता है और लोगों को लंबा चौड़ा नुकसान सहन करना पड़ता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो सड़क पर गायें बैठती हैं, गौशाला जगह जगह खुली हैं, लेकिन वो देखने भर के लिए खुली है या उनमें पशु जाए कोई भेजे या नगर पालिका उसका इंतजाम करे गौशाला में भेजने का, जहाँ उनका खाने पीने का इंतजाम है उसकी क्या व्यवस्था होना चाहिए। गौशाला जाना चाहिए, आम रोड पे बैठे रहते हैं ढोर बछे, जो यात्री निकलने वाले हैं मोटरसाइकिल चार पहिया वाले हैं तो उसमें दुर्घटना भी होने का डर है, और सब ये मारे मारे फिरते हैं, उनको ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है ना कोई उनको रुकने की व्यवस्था है।